Oh my God! ये तो लाश है। कल रात जब इसे बायनोकुलर से देखा था तो ये आदमी हिल रहा था क्या? नहीं सर। नताशा जी, कल रात आप कहाँ थी? कल रात तो मैं घर बहुत देर से आई थी। कल शूट बहुत देर से खत्म हुआ था। नहीं, मेरा मतलब है जब ये आदमी ग्रिल पर आया तब कहाँ थी आप? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपको लग रहा है कि इस आदमी को मैंने मारकर अपनी ग्रिल पर लटकाया है? एक लाश आपकी विंडो की ग्रिल पे पड़ी है, पूछना तो पड़ेगा ना कि ये यहाँ आया कैसे? हा? और अगर इसे देख के मैं मर जाती तो आप ये सवाल किससे करते? अच्छा आप ही बताइए, किसको पूछे? आपके पड़ोसी को? तो जाकर पूछिए उससे, वैसे भी वो पूरी रात जागता रहता है। उसी ने तो बताया कि शायद आप भी रात में जगी हुई थी जब ये आदमी यहाँ पर आया था। उसने ऐसा कहा? जी हाँ। मुझे लगता है वो सारी रात मुझ पे नजर रखता है, और कहीं इस चोर को उन्होंने ही तो नहीं भेजा है? मालूम नहीं, और वो हम पता लगा लेंगे। इसकी बॉडी में ये खरोंच के निशान दिखाई दिए, ये और इसकी थाई पर जो खरोंच के निशान मिले हैं ये किसी नुकीली चीज के हैं, लेकिन मरा ये आदमी जहर खाने से ही। तो फिर हमें ये पता लगाना चाहिए कि इस आदमी ने जहर खाया ही क्यों। तो एक काम करते हैं, वापस वहीं जाते हैं और पता करते हैं ये सब चक्कर है क्या। हाथ पे और थाई पे खरोचे हैं, मतलब ये भी हो सकता है कि शायद किसी ने उसे मारा हो। लेकिन दया, चोटें गहरी नहीं है, सिर्फ खरोंच है। वो देखो, मुझे लगता है वो इस फेंस से चढ़ के इधर आया है, तभी उसे लगी है चोट। तो कम से कम ये तो पता चल गया कि वो फेंस के ऊपर से आया था। और अगर यहां से आया तो इसका मतलब वो एक चोर ही है। फिर भी वो आदमी ऊपर जाके कैसे मरा, ग्रिल के ऊपर? अगर वो चोरी करने आया था तो किसी के घर में घुसेगा, वो ऊपर ग्रिल पे क्यों चढ़ा होगा? मुझे लगता है दया, हो ना हो वो टेरेस से ही गिरा है और वहां उस ग्रिल पे अटक गया। हमने तो सब कुछ करके देख लिया है सर, हमें पता भी चल गया है कि वो टेरेस पे से गिर के इस तरह से ग्रिल पे नहीं अटक सकता है। तो फिर वो ग्रिल पे पहुंचा कैसे है? अगर नीचे से गया होगा तो फिर मरा कैसे? उसे जरूर कोई ना कोई चोट लगी है, तभी मरा है वो। पर सर, वो जो जहर हमें मिला था वो जहर को छोड़ो, ऊपर जाके टेरेस में देखो, वहीं पे कुछ पता चलेगा। सर, हमने टेरेस का ताला चेक किया, ताला किसी ने नहीं तोड़ा है। फ्रेडरिक, एक बार देखते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर, कभी कभी हम पे भी विश्वास कर लेना चाहिए सर, हम लोग भी डिटेक्टिव है, अब कोई बेवकूफ नहीं है सर। हाँ मालूम है, कितने बड़े डिटेक्टिव हो तुम। अरे सर, जब ताला तोड़ा ही नहीं है तो फिर वो टेरेस पे गया कैसे? फ्रेडी, ठीक है सर, अगर वो कहीं से चढ़ के टेरेस पे गया है तो फिर वो ऊपर से नीचे कूदेगा क्यों? सर, शायद किसी ने उसे फेंका होगा सर, जहर खिला के। वो तो देख लिया ना तूने। अरे सर, ऐसे हो ही नहीं सकता है। अगर वो टेरेस पे गया है और उसे किसी ने धक्का नहीं दिया तो फिर वो ग्रिल पे अटका कैसे सर? मैं कह रहा हूँ वो टेरेस पे गया है, चलो देखते हैं। दरवाजे पे 3-4 जगह पे जेबी का निशान है, मतलब 100% हो गया वो आदमी यहाँ पर आया था। और यहाँ से उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की नीचे जाने के लिए, मगर ये दरवाजा टूटा नहीं। मैं भी देखूं साहब। चुप, यहीं खड़े रहो। इतना सब कुछ हुआ और तुम्हें पता नहीं चला? एक आदमी ऊपर आया, फिर नीचे गया, मर गया, और तुम यहाँ सोते रहे? हाँ, पता ही नहीं चला साहब। हाँ डॉक्टर तारिका, क्या जूता? जूते में क्या? माय गॉड, जूते में? यहाँ पे एक चीज छुपा के रखी हुई मिली। हमें कैसे कुछ नहीं दिखा? वो तो मैंने बाय चांस एक्सरे लिया था, वॉलेट का और जूते का, तब पता चला। कमाल है, पहली बार सुना जूते का एक्सरे। आजकल हमारी फॉरेंसिक लैब में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। मान गए डॉक्टर साहब। मुझे मत मानो दया, मैंने कुछ नहीं किया है, तारिका ने किया, उससे बात करो। ये तुमने किया? यस सर। ओ, इसीलिए ये वहां मुंह सुजा के बैठा है। तुम्हें आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिनने से? तुम्हें तुम्हारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मेरा मुंह सूजा हुआ है या नहीं।
एनीवे ला दो मुझे। ये देखो ये वो चाबी। वाई वाई 4-3 तो इसका मतलब है वो कागज का टुकड़ा जो हमें इस वॉलेट में मिला था उस पर जो नंबर लिखा है वो इस नई चाबी बनाने का कोड नंबर है। बॉस आजकल डुप्लीकेट चाबी बनवाने के लिए भी कंपनी में ओरिजिनल चाबी का कोड नंबर देना पड़ता है तभी चाबी मिलती है। और जूतों में क्या मिला? जूतों में क्या मिला जस्ट अ मोमेंट। ये देखो ये लीवर देख रहे हैं आप, ये घुमा दिया जाए तो देखो एक क्लॉज निकल जाता है। क्लॉज तो बिल्डिंग की दीवार पे चढ़ने का बड़ा अच्छा तरीका निकाला इस चोर ने। बॉस ये कोई बहुत ही पहुंचा हुआ चोर है, चोरी के इरादे से बिल्डिंग पर चढ़ा था लेकिन वहीं मर गए। वो बात तो है लेकिन अगर इस चोर के पास ये चाबी थी तो फिर वो बिल्डिंग पर बाहर से क्यों चढ़ रहा था? सर यही बात समझ में नहीं आ रही है। एक काम करो अभिजीत, बिल्डिंग के जिस फ्लोर पर इस चोर की बॉडी लटकी हुई मिली थी उस फ्लोर पर जितने भी घर हैं उन सभी घरों के दरवाजों को ये चाबी लगा कर देखो। श्वेता सुबह सुबह यहाँ से गई है, अगर सारा लॉकर खाली देखती तो चुपचाप तो नहीं रहती, हल्ला वल्ला तो मचाती ना। तो फिर क्या श्वेता ने यह सब किया? पैसा लेकर भागी है वो? तुम कह रहे थे श्वेता सुबह सुबह यहाँ से गई है तो कल रात को यहीं पे होगी ना? हैं? जी साहब घर पर ही होगी। श्वेता घर पे ही थी जब चोर आया था। श्वेता बिल्डिंग से गायब है, वो चोर इस दुनिया से। तो फिर ये लॉकर खोला किसने होगा? सर और एक बात हो सकती है सर, शायद श्वेता इस चोर को जानती थी। कैसे? सर उस चोर ने घर की एक डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी, मतलब चोर श्वेता को जानता होगा तो फिर शायद श्वेता भी इस चोर को जानती होगी। अभिजीत ये देखो इसके पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है। पुराने जमाने की कोई भाषा लगती है, किसी पुराने मंदिर की दीवार की फोटो लगती है। मगर ये श्वेता इसे अपने लॉकर में क्यों रख रही थी? वो कोई टीचर है क्या हिस्ट्री की? तो यहां से लाखों रुपए गायब है, श्वेता भी गायब और बची है सिर्फ ये फोटो। इसे किसी एक्सपर्ट को दिखाएं क्या? शायद ये वही फोटो है जो गुरदार म्यूजियम से एक महीने पहले चुराई गई थी। इसका मतलब है सर ये लड़की श्वेता गुरदार म्यूजियम के चोरी में मिली हुई है, तभी उसने अपने घर से पैसे वैसे लेके वहां से भाग गई। अच्छा कुछ पता चला किसने चोरी की? नहीं पता नहीं चला लेकिन पुलिस ने असिस्टेंट क्यूरेटर को गिरफ्तार किया हुआ है, उसे पूछताछ हुई लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। ऐसा कहा जाता है कि उसके भतीजे ने ये चोरी की। तो कहीं ये भतीजा वही तो नहीं जो उस ग्रिल से लटक के मर गया? देखो शायद उनमें से किसी ने इसे मारा होगा। कौन थे वो? उनमें से हाँ उनमें से एक लड़की थी सर। लड़की थी? हाँ एक लड़की थी, ये जरूर श्वेता ही हो सकती है। श्वेता के नाम पर एक फ्लैट है ना, वही पर रहती है ना? हाँ सर। बस तो सारे मोबाइल कंपनी से पता करो, देखो श्वेता के पास कोई फोन है क्या। सर अगर मोबाइल नंबर मिल गया तो हम उसे ट्रेस कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर, श्वेता ने अभी तक अपना मोबाइल फोन ऑफ नहीं किया है। एक ही जगह पे? हाँ सर एक ही जगह पे। इसका मतलब है वो एक ही जगह पर छुप कर बैठी है और वहीं से सबके साथ बात कर रही है। हमारे लिए तो अच्छा है, जितनी देर बात करे उतनी देर मोबाइल चालू रहेगा। मोबाइल फोन अभी तक ऑन है सर और सिग्नल यहीं से आ रहा है। ओह तो इसका मतलब है वो लड़की यहीं पर छुप कर बैठी है। Excuse me. Yes, sir. May I help you? देखिए हम लोग CID से हैं। हमें एक लड़की की तलाश है, श्वेता नाम है उसका। इसी होटल में ठहरी है। इसी होटल में? आज ही आई है वो। आज सुबह? जी हाँ। आज सुबह तो एक कपल आया है। अच्छा कोई अकेली लड़की नहीं आई है? वैसे भी हमारे यहाँ अकेली लड़की के लिए कमरा नहीं होता। अच्छा एक कपल कौन है, क्या नाम है उनका? जयेश और मालिनी। रूम नंबर 225 सर। 225 लेकिन सर जयेश तो अभी अभी बाहर गए हैं, शायद अपनी कार की तरफ गए होंगे। देखो जरा उसे, हम लोग 225 में चलते हैं।
बेटा दरवाजा खोलो सीआईडी से। अंदर है भी या नहीं? फ्रेडरिक्स देखो जरा। अरे दरवाजा खुला है, संभल के। सामान तो यहीं पर है, बाथरूम में देखें। श्वेता, श्वेता देखो, छुपने से फायदा नहीं है। सीआईडी। श्वेता कुछ गड़बड़ है, जो भी हो। श्वेता माय गॉड।